सो गाइज, आज हम लोग निकले हैं बाहर। आप देखते हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं जो भी है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, गाइज फुल रश है, पार्किंग सारी फुल है एंड वेट कर रहे हैं। अगर पार्किंग मिल जाती है तो फिर जाते हैं अंदर लुलू में, और अगर पार्किंग नहीं मिली और अगर पार्किंग नहीं मिली तो फिर हम लोग अंसार मॉल जाते हैं, देखते हैं।
Hide and see. Thank you.
सो गाइज अभी हम लोग अंसार मॉल से निकले हैं बाहर, बस गाड़ी में आके बैठे ही हैं। एक्चुअली हमारा इरादा था लुलू जाके वहाँ से लेने का, एंड लुलू हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे हमें पार्किंग ही नहीं मिली, बहुत पब्लिक थी, गाड़ियाँ फुल भरी हुई थी, भी पार्किंग खाली नहीं थी। और तकरीबन 20 मिनट्स तक हम लोगों ने लुलू की पार्किंग में वेट किया कि शायद पार्किंग मिल जाए, बट नहीं मिली। एंड सब जाहिर सी बात है वीकेंड का टाइम है, सब शॉपिंग करने के लिए ही आए हुए हैं। तो फिर हमने सोचा कि अंसार मॉल चले जाते हैं, सो बस अब यहाँ पे अंसार मॉल आए थे, यहाँ पे जो अच्छा लगा वो ले लिया, एंड अभी भी कुछ 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 बाकी रह गया है सामान, तो वो अब या तो हम लुलू से लेंगे या फिर नेक्स्ट वीकेंड पे देख लेंगे, या तो दोबारा यहीं अंसार मॉल से ही आके ले लेंगे। कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी बट एक्चुअली बहुत थकान हो गई थी, एंड चूज करना कन्फ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा मुझे, तो फिर मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो बस अब उम्मल के डैडी का मैं वेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो मॉल है ना ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे है ना फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक फ्लोर पे शायद कपड़ों का ही है, लेडीज गारमेंट है एंड और दूसरे फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही हैं, और तीसरे फ्लोर पे लाइक बच्चों के आइटम्स हैं सारे, टॉयज एंड बाइसाइकल्स वगैरह। सो बहुत बड़ा है, मैं फुर्सत से कभी मॉल की पूरी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा है ये शारजा वाला अंसार मॉल। सो बस हम लोगों ने जिस फ्लोर से भी हमने शॉपिंग की थी तो उसी फ्लोर के काउंटर पे हमने अपने पार्सल डिपॉजिट कर दिए थे। अब क्योंकि बच्चे थक गए तो हम अपने अब गाड़ी में आके बैठ गए, उम्मल के डैडी अब गए हैं, सारा पूरा सामान कलेक्ट करके लाएंगे, देन गाड़ी की डिक्की में ट्रंक में भरेंगे और बस फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। मे बी इफ्तार हमारा बाहर ही होगा या फिर हम पार्सल ले लेंगे तो घर जाके इफ्तार करेंगे। सो नॉट डिसाइडेड। मामा डैडी इज हियर। डैडी इज हियर। चलो ओके ओके। सो गाइज 6:15 हो रहा है, बिल्कुल अवतार का टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो यहाँ पे रश भी अच्छा मैं बात कर लूँ। सो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि खाना पैक करा लेते हैं, काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है हैदराबादी, घर पे भी ज़्यादातर हम लोग यहीं से होम डिलीवरी करवा लेते हैं खाना। बस उमुल के डैडी पार्सल लेके आ ही गए हैं, चलिए फिर घर जाके बात करते हैं। हैदराबादी हलीम जो कि अभी पार्सल लेकर आए हैं। सो इफ्तार खाना एंड नमाज वगैरह होने के बाद आई वॉज लिटिल टायर्ड, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाई मेरी कि मैं कैमरा मोबाइल उठा के कुछ रिकॉर्ड करूँ या व्लॉग एंड कर पाऊँ। सो अभी मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ। एंड एक बात और कि हम लोगों ने लास्ट ईयर रमज़ान में, लॉकडाउन वाले रमज़ान थे, तो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, ईद पे भी नहीं किया था। सो बट इस बार भी डिसाइड कि नहीं, बच्चों के लिए न्यू कपड़े तो लेंगे ही, उमुल एंड मोहम्मद जी दोनों के लिए न्यू कपड़े लिए हैं, एंड कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान अभी भी बाकी रह गया है लाइक सैंडल्स एंड स्लीपर्स वगैरह, तो वो या तो अब ये जो वीकेंड आ रहा है तो इस पे हम जाएंगे।
सो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी मैं परचेज करूंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ ली है और कहाँ से लिया है। सो दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे, दोनों ने बहुत इन्जॉय किया एंड सो बस वही सब है। इंशाल्लाह हुआ तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैंने क्या चीज़ परचेज़ की है, वरना अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर चलिए मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।